स्वागत है आपके अपनी चैनल चकोटा हिंदी में। आज मैं आपको बताऊंगा जियो ने दो यहाँ पे नए यहाँ पे प्लान लेके आया है हैप्पी न्यू ईयर में। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या नए प्लान है, तो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। यहाँ पे पिछले प्लान में जा रहे थे 399 प्लान, जिसमें आपको मिल रहा था 70 डेज़ की वैलिडिटी और कुछ कैशबैक, लेकिन यहाँ पे कुछ नए प्लान आ चुके हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एक बाई एक करके बताऊंगा। मैं उसमें ये भी बताऊंगा क्या उसमें डिफरेंस है, क्या आपको वो प्लान लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे प्लान में चलते हैं। प्लान क्लिक करके यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे 199 और 299 दो प्लान हैं। तो यहाँ पे 28 डेज़ की वैलिडिटी, 28 डेज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड यहाँ पे फ्री कॉलिंग भी है, और यहाँ पे 33.6 GB यहाँ पे डेटा है, 1.2 GB पर डे के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं 199 में, और 299 में आप यूज़ कर सकते हैं 2 GB पर डे के हिसाब से। तो ये नए प्लान है, 28 डेज़ की वैलिडिटी है, और यहाँ 39 यहाँ पे अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लें तो पर डे के हिसाब से हमें कितना पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कर लेते हैं 399 की, और यहाँ पे हम उसको डिवाइड करेंगे 49 डेज़ के साथ, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि पर डे हम कितना अमाउंट हम लगाते हैं। 8.14 यहाँ पे रुपीस पर डे के हिसाब से हम लगाते हैं, तभी हमें वो 399 मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अब दूसरे प्लान की बात करते हैं, यहाँ पे हम 149 की यहाँ पे बात करेंगे, 149 उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे उसको डिवाइड कर लेंगे 28 डेज़ के साथ, तो हमें वो पता चल जाएगा पर डे हम कितना रुपीस देते हैं। 7.10 रुपीज़ यहाँ पर डे के हिसाब से देते हैं, तभी हमको वो डेटा मिलता है। तो ये कुल मिला के यहाँ पे बात करें, तो अगर हम 399 की बात करें तो वहाँ पे हमें 5 रुपये पर डे के हिसाब से, क्योंकि वो हमें सस्ता मिलता है। तो अगर वहाँ की बात करें, ये भी कुल मिला के यहाँ पे बात करें, अगर आपको बजट में कोई भी अगर प्लान लेना है या उसकी थोड़ी वैलिडिटी आपको कम चाहिए, लेकिन आपको पर डे के हिसाब से आप ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी वो अच्छा रहेगा, काफ़ी वो हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे मेरे माने तो 399 रुपीज़ का जो प्लान है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। यहाँ पे 70 यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 5.7 रुपीज़ आप पर डे के हिसाब से देते हैं, तभी वो प्लान मिलता है। तो बाकी जितने भी प्लान हैं उनमें आप इससे ज़्यादा पैसे देते हैं तभी आपको मिलता है। 299 की बात करें तो यहाँ पे 28 डेज़ की लिए मिलता है। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए तो आपको 10 रुपये पर डे के हिसाब से देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे आपको 2 GB पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पे मिलता है। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर आप 399 की कंपेयर करें 299, तो वो एक तरह से सेम ही है। अगर वहाँ पे आपको वैलिडिटी ज़्यादा मिल जाती है और यहाँ पे आपको MB ज़्यादा मिल जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो प्लान है, यहाँ पे उन्होंने इस तरह से रखा हुआ है कि दोनों को आपको यहाँ पे अगर आप छोटा अमाउंट लेना चाहते हो और यहाँ पे आपको पर डे के हिसाब से आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको 299 रुपीज़ आपको लेना चाहिए। अगर आप थोड़ा कम उससे यूज़ करते हैं, 199 रुपीज़ यूज़ अगर आप पॉकेट थोड़ा कम है तो 199 आप ये करवा सकते हैं, 1.2 GB पर डे के हिसाब से। काफ़ी अच्छे प्लान है। आपको पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।